नमस्कार दोस्तों, मैं सुमंत कश्यप अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इंदौर वास्तु विजिट के लिए जा रहा हूं। ये अरुण जी हैं जो क्लाइंट हैं और इन्होंने मुझसे पहले वास्तु के कोर्सेज दिए थे, तो ज्योतिष और वास्तु की इनको अच्छी समझ है। तो एक इनका प्रश्न है, जैसे एक बार फिर से पूछिए अरुण जी। एक्चुअली कुछ लोग पूजा में बिलीव करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि पूजा से बेनिफिट होता है, होना चाहिए। एक्चुअली 90% जो लोग हैं वो चाहते हैं, जानते भी हैं, भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, तो हम पूजा में बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं कि उससे हमको बेनिफिट मिले। वो बेनिफिट किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे धार्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए जाना हो। तो अब चूंकि कलयुग में इंसान को सबसे ज्यादा जो चाहिए, जो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, वो उसके व्यापार व्यवसाय रोजी रोजगार को लेके होती है, ठीक है। तो वो अगर पूजा के माध्यम से इन चीजों को हासिल करना चाहता है, तो क्या पत्रिका के आधार पे ये पॉसिबल है कि ये इंसान पूजा कर रहा है तो उसको उसके बेनिफिट मिले? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा करने से उनको रिजल्ट मिलते ही नहीं है या नेगेटिव मिलने लग जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि पहले मैं पूजा नहीं करता था, नॉर्मल रूटीन फॉलो करता था, तो मेरी लाइफ थोड़ी अच्छी चल रही थी। जब इसको और बेहतर बनाने के लिए मैं पूजा की तरफ बढ़ा हूँ तो ऑब्स्टेकल बहुत सारी आने लग गई हैं। तो क्या ऐसा होता है? अब देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो चालू करने से पहले बताया था, फिर अभी बता रहा हूँ। जी, मैं प्रोफेशनली 2019 से ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में हूँ। 2024 में 5 साल हो जाएंगे। अब ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं 29 दिसंबर 2023, ठीक है, ठीक करेक्ट। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये पूरा 100% सही है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, मेरा जो अब तक का ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे कोई आदमी ज़्यादा पूजा पाठ करता है और वो पूजा पाठ इस सोच में करता है कि मुझे पैसे मिले, मेरा बिजनेस व्यवसाय चले, ये तो मेरी एक्सपीरियंस में अधिकतम वही लोग मिले हैं जिनका ये है कि वो डेढ़ डेढ़ दो दो तीन तीन घंटे पूजा कर रहे हैं। हाँ। और उसके कारण वो परेशान है, उसके कारण नहीं मतलब वो परेशान है। हाँ। दो घंटे तीन घंटे वो पूजा कर रहे हैं। हाँ। मैंने नॉर्मली क्या समझी कि कुंडली का पहला, पांचवा और नौवां भाव ये धर्म त्रिकोण का होता है, जो धन को निगेट करता है। दूसरे का बारहवां पहला हो जाएगा। हाँ। छठे का पांचवा हो जाएगा। हाँ। दसवें का बारहवां नौवां हो जाएगा। तो ये आपके जो धन के, प्रोफेशन के जो भाव है, इनको ये निगेट करता है, यानी इनमें ये प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो जब ये प्रॉब्लम देगा तो समस्याएं तो आनी है। तो समस्याएं क्या आनी है, यानी कि धन से संबंधित समस्या आएगी। जब ज्यादा आप धार्मिक हो जाएंगे तो भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आना है। ओके। अब रही बात, कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनका ये कहेंगे अरे हमने ये पूजा की या ऐसे मैं करता हूँ तो मुझे लाभ होता है। मेरा जो मानना है कि पूजा करना, कहीं भी किसी धर्म स्थल पर जाना, ये हमारा एक विश्वास है, क्योंकि फायदा तो उनको भी होता है जो हमारे धर्म को नहीं मानते, मतलब पूजा पाठ नहीं करते। सारी चीजें होती हैं, समझ रहे हैं। मेरी अपनी बिलीफ ये है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के, जैसे मैं यहाँ उज्जैन आया हूँ, महाकाल का दर्शन करूंगा, साथ ही मैं ओमकारेश्वर भी जाऊंगा, ये दोनों जाना है। तो जहाँ जिस जगह मैं जाता हूँ वहाँ पे जो भी मंदिर है, वो बड़े हैं छोटे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं वहाँ समय निकाल के जाता हूँ। मतलब 99% मेरी कोशिश होती है। अब मैं जो समझता हूँ लाभ और हानि, इसको मैं ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में मैं आपको क्लियर करूँ, आदमी का कर्म, कुंडली और वास्तु, ये तीन चीज रोल प्ले करते हैं सफलता और असफलता के लिए, ठीक है। जैसे कर्म, आपको ईमानदार होना पड़ेगा। कल आप मेरे साथ थे जो केमिकल की, हम हर्षवर्धन जी की फैक्ट्री का हम लोग वास्तु कर रहे थे, आप पूरे दिन मेरे साथ थे, सुबह 9 बजे से हम लोग लगे, बिल्कुल, आप 7 बजे के करीब या 6 बजे निकल गए, निकल गया। मैं लगभग 10 बजे वहां फैक्ट्री से निकला, जी, वो 9:15 के करीब, 9:10 या 9:15 में काम खत्म हुआ। हाँ। और फिर बाद में उनके कुछ और क्वेश्चंस हो गए जो वो पूछने लगे, तो मैंने कहा चल, मतलब 10 बजे। हाँ, अब सोचिए कि जहाँ 13 घंटे हमने समय किसी चीज को दिया, यानी मेरा ये कर्म है कि मैं इस काम को करने आया हूँ, तो मैं अपनी जानकारी का जो भी मेरा बेस्ट नॉलेज है मैं 100% दूंगा, क्योंकि तभी मैं रिजल्ट का उम्मीद करूंगा कि मेरे क्लाइंट को रिजल्ट मिलेगी। मैं कर्म ही ना करूँ तो फिर क्या उम्मीद करेंगे। तो पहला ये पॉइंट हो जाता है कर्म। दूसरा कुंडली क्या है, कि कुंडली में जो आपकी ग्रह दशाएं, जो भावों की स्ट्रेंथ है, आपको क्या मिलना है, दशाएं कैसी जानी है, ये भी बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मेहनत 10% करेंगे रिजल्ट 100% मिलेगा, कई लोग ऐसे भी जो 100% काम करेंगे रिजल्ट 10% मिलेगा, ये भी चीजें होती है। अब उसको तो हम बदल नहीं सकते, तो हम कुंडली के हिसाब से अपने लिए, जैसे मैं अभी मेरी शनि की अंतरदशा चल रही है, और शनि 4/10/12 का रिजल्ट दे रहा है, 4/10/12 चौथा वास्तु छठा सर्विसेज का हो गया, पैसे का हो गया। हाँ।
अब मैंने इस समय आप देखेंगे मैंने क्लासेस बहुत कम कर दिया है, केपी एस्ट्रोलॉजी करा रहा हूँ और बाकी वन टू वन क्लासेस होती है वास्तु एस्ट्रो वास्तु इसकी, अदरवाइज मेरी पूरी फोकस है वास्तु कंसल्टेशन पे और इंडस्ट्रियल वास्तु जो भी मिल रहा है ज्यादातर इंडस्ट्रियल वास्तु। इस साल मैंने 10 इंडस्ट्रीज के विजिट किए हुए 2023 में, जिसमें दो नई फैक्ट्री की जो लग रही है वो मेरे गाइडेंस में ही हो रही है। अच्छा। बाकी आज आपकी जो दवा का प्लांट है उसका हम करने चल रहे हैं और एक और इंदौर में ही एक और फैक्ट्री है उसका भी हम देखेंगे, उनको नया सेटअप करना है जी। तो उसका लैंड सिलेक्शन का है तो वो चीज है, समझ रहे हैं। तो अब मेरा ये मानना है कि कुंडली जो है वो आपको एक रास्ता दिखाती है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। या हम किसी ज्योतिष का नाम नहीं लेंगे, आप मुझसे मेरे कॉन्टेक्ट में 2019 में आए, आपने बड़े बड़े ज्योतिषी हाँ। जो यूट्यूब पे हैं आपने उनसे कंसल्टेशन ली, राहु की दशा आपकी चालू हुई, तो लोगों ने क्या कहा कि अरे राहु छप्पर फाड़ के देगा, ये वो सारी बातें हुई थी। मैं ये नहीं बोलता प्रेडिक्शन मेरी गलत नहीं हो सकती, मैं तो खुलेआम एक्सेप्ट भी करता हूँ क्लास के दौरान भी, मैंने कभी भगवान बनने की कोशिश नहीं की, लोग क्या बोल रहे अरे हम भगवान है हमने जो बोला वो सही, प्रेडिक्शन गलत मेरी भी होती है, लेकिन क्या है कि उस चीज को मानने की गुंजाइश है, मैं मानता हूँ स्वीकार करता हूँ। आपकी जब राहु की दशा थी मैंने ये बोला कि राहु आपको बड़ा परेशान करेगा, बहुत डिस्टर्ब करेगा, मे भी उस समय आपके माइंडसेट में क्या चला होगा, क्योंकि 19 में मेरे तो मैं तो स्टार्टिंग ही थी, मेरे फॉलोअर भी कम थे, यूट्यूब सब्सक्राइबर ये सारी चीजें दिमाग में आया होगा कि अरे मतलब ये जो बोल रहा है सिंपल बात है, तो आपने वो जो एस्ट्रोलॉजर महोदय आपको बताए थे दोनों, आपको लगा कि नहीं वो लोग सही बताए, फिर बाद में हम लोग फिर मिले, हमारी बातचीत हुई कई बार हुई और आपकी स्थिति मतलब 4 साल कुछ भी सुधार नहीं है, और मैंने उस टाइम भी आपको कहा था कि आपको राहु के हिसाब से काम को बदलना होगा, राहु 3-12 है, ट्रैवलिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, यानी इस प्रकार से अपने काम में आप जुड़ो और फिर आपको अपने घर और फैक्ट्री जो दोनों है इसके वास्तु को काम सही करना होगा, वास्तु को सही करना सिंपल देवंश मेरी ये बात आपने बोला क्लियर। तो अब जब आप देखेंगे अभी भी मैं आपको क्लियरली जो भी मेरे क्लाइंट है जो जुड़ते हैं मैंने कभी किसी से फॉल्स प्रॉमिस नहीं किया, मैं 100% ये नहीं, आपसे भी आने से पहले भी जो हमारी बात हुई मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं 100% आपको रिजल्ट दूंगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपकी स्थिति को बदल दूंगा, अभी आप जिस स्थिति में है इससे आप ऊपर की तरफ आपकी स्थिति होगी, इस चीज की गारंटी है, समझ रहे हैं। तो ये चीज है, मुझे गलत तरीके से गलत प्रॉमिस से किसी से पैसे नहीं कमाने, भले काम नहीं करूंगा वो मंजूर है, जब काम नहीं करता हूँ तो पढ़ता हूँ सीखता हूँ बच्चों के साथ रहता हूँ, मेरी एक बेटी एक बेटा आपको पता ही है, तो वो ये चीज होती है, लेकिन गलत तरीके से किसी से कोई काम नहीं करना। तो जब कर्म सही रहेगा, कुंडली को आप अपने जो कुंडली कह रही है उसको आप पढ़ना और समझना आप सीख ले, मतलब ये मैं एस्ट्रोलॉजर के लिए बता रहा हूँ कि वो आप समझ के उसको गाइड कर पाए क्लाइंट को और वास्तु सही कर लिया, तो मुझे तो नहीं लगता कि जीवन में समस्याएं तो खैर सबके हैं, मतलब आपको सफलता मिलती जाएगी, चीजें जो फाइनेंशियल गेन की हम बात कर रहे हैं वो मिलेगा वो आना है। मेरा सर जैसे क्वेश्चन ये था कि जैसे 12th हाउस का लॉर्ड है, अब अगर वो गुरु बन गया और पूजा करने से वो एक्टिवेट हो गया, क्या ऐसा होता है, वो एक्टिवेट हो गया तो 12th हाउस के रिजल्ट बढ़ गए? देखिए 12th हाउस के लॉर्ड की बात नहीं है, 12th तो बहुत सारे ग्राम है, कोई भी ग्रह जैसे 12th हाउस लॉर्ड गुरु बना यानी धनु या मीन राशि हुई, आप सबसे पहले किसी भी ग्रह के जब समझेंगे वो रिजल्ट कैसे देता है, तो जो ग्रह की उसकी राशि जिस भाव में होती है वहाँ का रिजल्ट देगा और जहाँ बैठता है वहाँ का रिजल्ट देगा, बिल्कुल। तो गुरु की 2 राशियां होती है और एक जगह बैठेगा, 3 जगह का रिजल्ट देगा, बिल्कुल। साथ ही कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र का भी रिजल्ट देता है, नक्षत्र का भी रिजल्ट देता है, ठीक है, बिल्कुल। तो और फाइनल रिजल्ट के लिए हम उसके उप नक्षत्र को देखते हैं, आप मान लो केपी नहीं मानते नहीं पढ़ रहे हो, तो वैदिक में भी ग्रह और नक्षत्र का यूज होता है ना, होता है। तो ग्रह और नक्षत्र का जब यूज आप करते हैं तो उस स्थिति में आपको पता है कि कोई भी एक ग्रह 3 से 4 भाव का रिजल्ट लेता है, तो कोई भी एक भाव अच्छा या खराब नहीं होता, आपकी दवा का काम है, दवा हॉस्पिटल आप डॉक्टर से मिलते हैं तो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तभी तो दवा लेते हैं, तो 12वां भाव आया कि नहीं आया, खर्चों का आया एक्सपेंसेस का, तो कैसे आप कह सकते हैं आंख मूंद के कि 12वां खराब है, तो एक भाव अच्छा या खराब नहीं होता, भावों के कॉम्बिनेशन अच्छे या खराब होते हैं, कि उस 12वें के साथ क्या क्या आया हुआ है, बात आप समझ रहे हैं। 1 और 12 है तो हेल्थ के लिए खराब है, नींद के लिए खराब है, नींद में प्रॉब्लम होगी, राहु में यदि 1 और 12 है तो फिर आप ज्यादा भ्रम में रहेंगे, आप प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पाएंगे, प्रैक्टिकल तौर पे नहीं समझेंगे कि ये करना है, यही यदि जुपिटर होगा तो आप प्रैक्टिकल ज्यादा रहेंगे, ज्यादातर लोग राहु में यदि 1 12 है तो आप फ्यूचर को लेके वरिड होते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा ये कर लूंगा कैसा जाएगा, लेकिन जैसे ही जुपिटर होता है तो आप प्रेजेंट में आ जाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीज है,
वैसे देखिए ज्ञान अनंत है, सबकी अपनी प्रैक्टिस है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अनुभव होता जाता है, चीजें आती हैं। लेकिन अब तक तो मैंने यही समझा है, यदि वास्तु आपने सही कर लिया, अच्छा है, तो फिर काफी रिजल्ट मिल जाते हैं, काफी हद तक। ये जो हर्ष जी के हम लोग कहते हैं, तो हर्ष जी मुझसे 2019 से ही कॉन्टेक्ट में है, और आपको पता ही है कि जितने अधिकतम ज्योतिषों की कल हमारी बातचीत हुई, सबके कॉन्टेक्ट में वो थे, सब यही था कि ये दशा आपकी बदलेगी, तो ये गोचर बदलेगा, तो ये नाम बदलेगा। मुझे तो हंसी इस बात की आ रही है, इनके आदित्य केमिकल नाम से फैक्ट्री थी। अच्छा, पहले आदित्य केमिकल जो बिका, बिका पिछले साल जो बिक गया, हाँ, तो उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई थी अपने। अच्छा, लास्ट ईयर जब आप आए थे, वो बेचने की प्लानिंग आपने सजेशन किया था कि इसको बेच दो, क्योंकि उनके खर्चा उसको सही करने में भी 2.5-3 लाख का खर्चा था, तो वो उनके पास पैसे थे नहीं, तो मैंने बोला कुछ उपाय इसको करते हैं कि बिक जाए। ईश्वर के नाम लेके हमने कुछ उपाय वहाँ किया। पिछले साल दिसंबर में आया था ही महाकाल का दर्शन करने के लिए, तो उस समय कुछ उपाय हमने किया। फरवरी में इनका कॉल आता है कि सर मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर भेज दो। तो उस समय मैंने देखा कि स्क्रीनशॉट भेजे थे, मतलब अभी यूट्यूब में काफी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर है, मतलब 70-75 हजार से ऊपर उनके सब्सक्राइबर है। तो वो उन्होंने अपने कंसल्टेशन के लिए किसी प्रकार से अपना डाला था कि सर मेरी केमिकल की फैक्ट्री आदित्य केमिकल्स नाम की, कि वो चल नहीं रही है। तो बोल क्या रहे हैं, आदित्य सूर्य का नाम हुआ और केमिकल शनि राहु का है, तो आपकी कुंडली में शनि जो है वो सूर्य को काम करने नहीं दे रहा, ऐसा लॉजिक था, वो मुझे भेज रहे। मैंने बोला पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं कोई ऋषियों के वंशज से नहीं आता, मेरी कोई लीनेंस नहीं है, मैं प्रैक्टिकल चीजों पर भरोसा करता हूँ। अब शनि सूर्य को काम नहीं करने दे, मंगल बुध को नहीं करने दे, मुझे मोदी जी काम करने नहीं दे रहे हैं। तो ये चीजें होती है, समझ रहे हैं। तो ये जो हम बात कर रहे थे, जो उन्होंने कहा कि आपका जो शनि है वो सूर्य को काम नहीं करने दे रहा, तो बेसिकली इस चीज से मुझे पता नहीं किस बेस पे उन्होंने कहा था क्या कैसे, तो वही बात है जो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा आप बहाने बनाने लगो। तो ये मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अर्जी आप इतने दिन से तो देख ही रहे हो, नहीं 19 से लोग देख रहे हो चीजें, मुझे लगता है कि हर एक आदमी इस चीज से तो इतफाक करेगा कि वास्तु इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, कुंडली और वास्तु दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो रोड पर है और वो सफल है किसी भी चीज से, भाई ना कहीं घर में रहता है ना, वो छोटा है बड़ा, घर तो होता है बिल्कुल, तो वो आदमी आप घर में रहता है और फैक्ट्री भी कहीं ना कहीं किसी प्रमाइसिस में ही है, यानी वो भी वास्तु है, वो भी वास्तु, तो वो रोल प्ले करेगा। इनका घर साउथ वेस्ट फेसिंग, साउथ वेस्ट की पूरी एंट्री, हर्षदी का जो कल आप घर में देखे सामने का जो फेसिंग है उसमें SSW और SW आ रहा है, और गेट पूरा SW में है, W3 में छोटा सा 3 फीट का हिस्सा आ रहा है W3 में, जो वह साउथ वेस्ट में जाएगा, तो वो छोटा सा हिस्सा है। अब देखो पूरे नीचे से ऊपर तक साउथ ईस्ट में 6 टॉयलेट है, साउथ ईस्ट में, हाँ, साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, अब इतने सारे जब यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, और फैक्ट्री वहाँ पे वो तो जो उनके बिकी वहाँ तो आप गए नहीं, एनर्जी पूरी तरह से डेड थी। कल वाली आप देखे, कल वाली जो देख रहे हैं वहाँ पे ईस्ट में बॉयलर है, पूरे ब्लू कलर के इनके डब्बे हैं, सारी चीजें जो कि फायर में था, बदल भी नहीं सकते हैं, तो वो सब उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप देखेंगे। तो मतलब यहाँ जो आपका क्वेश्चन था, अब इसको हम कंक्लूड करें, अंतिम निष्कर्ष यही है मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना कर्म, ज्योतिष और वास्तु तीनों रोल प्ले करते हैं। कोई ये कहे कि अरे कर्म ही सब कुछ है, तो मेरा मानना है कि कर्म बहुत से लोग करते हैं, एक वजन ढोने वाला आदमी है, एक कुली है, नहीं बिल्कुल, आप मान लो कोई भी एक लेबर क्लास है, रिक्शा खींचने वाला है, ठेला चलाने वाला है, बहुत से लोग हैं जो एकदम जो तपती गर्मी है उसमें भी काम करते हैं, और जो कपकपाती ठंड होती है उसमें भी काम करते हैं, राइट। तो अब कर्म तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन यही कुछ लोग क्या है, ज्योतिष और वास्तु, जैसे इसको प्रैक्टिकली परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लें, हमें उज्जैन से इंदौर जाना है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। अब रास्ता ये इतना स्मूथ रोड है, जैसे यहाँ पे रोड को देख लीजिए, रोड दिखा रहे हैं, पूरा स्मूथ रोड है, ये हाईवे है ना, हाईवे तो हाईवे है, हम आसानी से जा रहे हैं बिल्कुल। अब यही रोड टूटा होता, इसमें गड्ढे होते एक एक फीट 1.5-1.5 फीट के, अरे तो जाना तो हमें था ही, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस बदल जाता, बहुत बुरी हालत हो जाती ना। अभी हम कार से जा रहे हैं, और शायद उस टाइम हम अपनी किस्मत को कोसते, हे भगवान मेरी कैसी किस्मत है, यूं है ना, ये रोड खराब मिला।
और अभी हम लोग कार से जा रहे हैं, अब यही इमेजिन कीजिए कि हम लोग पैदल जा रहे हैं, नहीं साइकिल से जा रहे हैं, बैलगाड़ी से जा रहे हैं। तो अब कोई ये कहे कि चल किस्मत फिक्स है, डेस्टिनी फिक्स है, वो नहीं बदल सकता। ये रोड थोड़ी फिक्स है, रोड तो बदल रही है ना, गाड़ियां बदल रही हैं। ये हम मान सकता हूँ कि ये फिक्स है कि हमें आगरा से उज्जैन जाना है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि क्या गाड़ी है, रोड की कंडीशन, सब कुछ। तो इस स्थिति में फिर आप गवर्नमेंट को दोष क्यों देंगे? तो उसको भी तो किस्मत मान लो ना कि यही लिखा हुआ है, कोई आपको चीट कर रहा है उसको भी किस्मत मान लो, फिर कंप्लेन क्यों, फिर प्रॉब्लम क्यों? लोग बड़ा सिलेक्टिव हो जाते हैं, बट चूजी हो जाते हैं अपने हिसाब से, चूज हर बार हर चीज को लेके किस्मत को दोष देते रहते हैं। आप सोचो, सिंपल वही मैं बता रहा हूँ कि हमें यहाँ से आगरा से उज्जैन से इंदौर ये फिक्स है, लेकिन रास्ता जो है तो यही जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कॉम्बिनेशन है ये इसी चीज पे काम करता है, कैसे रास्ता बेटर आप चूज कर सके। और जो आपके काम करने का तरीका है, जैसे हम गाड़ी से भी जा रहे हैं, कैसे बेटर तरीके से हम इसको चूज करके अपने यात्रा को आरामदायक बना सके, तो बस यही है सिंपल। तो कुल मिला के सर ये है कि पत्रिका को आप बदल नहीं सकते हो, पत्रिका आप लिखा के लाए हो, जो आपके कर्मों का फल है, वहाँ आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ईश्वर ने आपको दूसरा माध्यम दिया है कि आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर, या आप अंबानी या अडानी नहीं बन सकते हो, लेकिन लाइफ को स्मूथ कर सकते हो, शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकते हो। सिर्फ आपको वास्तु को भी ठीक करना पड़ेगा, कर्म तो आप कर ही रहे हो नेचुरली, कर्म आप कर रहे हैं, वास्तु आप सही कर ले, क्योंकि अंबानी और अडानी भी उस टाइम नहीं सोचे होंगे कि मैं बनूंगा। हाँ, मतलब धीरू भाई अंबानी तो अपने जीवन में ही पूरा सफर तय किए, और ये अभी गौतम अडानी है, तो गौतम अडानी भी तो वो अपने ही जीवन में भारत के सबसे धनी व्यक्ति बने, दुनिया के साथ तीसरे नंबर तक गए, इन्होंने भी उस टाइम पे थोड़ी सोचा होगा क्या है या नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हम कर्म करें तो हम ये ना सोचे कि हमें किसके जैसा या क्या बनना है, हमें अपना कर्म 100% करना है। एस्ट्रोलॉजी हमें गाइडेंस देती है, उस गाइडेंस को समझिए और वास्तु में उस चीज को परफेक्ट कर लीजिए। अब जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, कल वो हर्ष के पिताजी ने पूछा कि आप कहां से हैं, मैंने बोला मैं बिहार से हूं, चंपारण से। तो अब क्या है कि अब आप सोचोगे, नॉर्मली आप किसी के यहाँ आते हो, इंडस्ट्रियल वास्तु जो मेरी 1.5 लाख से लेके 15 लाख की फी रेंज होती है, जो क्लाइंट के प्रॉब्लम्स के हिसाब से होती है, किस प्रकार से आप, और रेसिडेंस का जो होता है वो 1 लाख रुपए लेता हूँ वहां से, मतलब 1 से लेके 2 के बीच में वेरी करती है रेसिडेंस वाला में। तो आपको ये सोचिए कि आदमी बिहार, उसमें चंपारण रहता है, ये साजिश कर रहा है क्या, कुछ चीजें होती है। मैंने कहा देखिए, मैंने ये जो चीजें सीखी ना, सबसे पहले खुद पे ही काम किया मुझे है, यदि मेरे वास्तु मुझे रिजल्ट दे सकता है तो मैं किसी से भी प्रॉमिस कर सकता हूँ। और जब मैं खुद के लिए नहीं कर सकता, अपने जीवन में चेंजेस नहीं ला सकता, तो दूसरे के जीवन में क्या लाऊंगा? मतलब जिस चीज की गारंटी मैंने आपको दी है, वो गारंटी मैं अपने पे ना करूं, मुझे चेंजेस ना हो। कई लोग जैसे क्या होता है, बहुत से लोग हैं जैसे मनोज जी हैं, मेरे स्टूडेंट ही हैं, क्लाइंट ही हैं, कई बार उन्होंने कहा सर दिल्ली आप आ जाए, सारा अरेंजमेंट मैं कर दूंगा, ठीक है। और एक प्रदीप जी है मुंबई के, तो उन्होंने कहा सर आप मुंबई आ जा। मैंने बोला देखो, कहीं दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊँ वहाँ सही हूँ। यदि ये काम करता है तो ये जहाँ रहूंगा मुझे काम देगा, बिल्कुल, और देगा, देता है, समझ रहे हैं आप। और मुझे वो नंबर ऑफ क्लाइंट्स नहीं बढ़ाने, मुझे नंबर ऑफ क्लाइंट्स को नहीं बढ़ाना, मुझे जो क्लाइंट्स जुड़े हैं वास्तु में ना, वो संतुष्ट हो मेरे काम से, तो ये चीज ज्यादा जरूरी है, रिजल्ट ओरिएंटेड हो सारी चीज़। और कहीं भी मैं काम करता हूँ, मैं जाके सिर्फ इंस्ट्रक्शन देके नहीं आ जाता, पूरे काम पूरे करेंगे, काम करना है, रिजल्ट देखना, सामने कराना सारी चीज, वो तो प्रोसेस कल आप देख चुके हैं। हाँ, तो ये भी मैटर है। चलिए इस वीडियो को अभी विराम देते हैं।